Okay. Good morning to all of you. Am I Hi, sir. audible? Am I Sir. audible? Yes, sir. Okay. Yes, Okay. sir. Okay. So good. So yesterday we have done up to here. U1 plus V1 equal to V2 plus U2 equation number 3. यहाँ तक कॉपी किया है सभी ने? यहाँ तक कॉपी किया है सभी ने? बोलो बोलो. कॉपी किया कि नहीं सभी ने यहाँ तक? यस नो. यस सर. ओके अब देखो आइडिया क्या है. हमको निकलना है V1 V2. यहाँ पे देखो M1 है, U1 है, V1 है, M2 है, V2 है, U2 है. इधर V2 के बदले अगर मैं टर्म इन V1 ले आऊं तो इसमें अननोन सिर्फ V1 रहेगा. इक्वेशन 1 में देयर इज V1 एंड V2 बोथ. अगर V2 को भगा के इसके बदले V1 ले आऊं तो अननोन विल बी ओनली V1. तो वी गेट V1 क्योंकि V1 V2 दो चीज चाहिए हमको. तो इसको मैं एक बार रूलर बाद में मारूंगा. तो देन फ्रॉम 3 कैन आई राइट फ्रॉम 3 मैं V2 को भगाना है हमको. कैन आई राइट V2 इक्वल टू U1 प्लस V1 माइनस U2 एंड देन सब्स्टिट्यूट इन. दिख रहा है ना? सब्स्टिट्यूट इन 1. ओके तो व्हाट आई गेट देयरफॉर आई गेट M1 इनटू U1 माइनस V1 इक्वल टू M2 इनटू V2 के बदले अब क्या लिख दूं? V2 के बदले लिख देता हूं U1 प्लस V1 माइनस U2 माइनस U2 माइनस U2. दो बार आ जाएगा ना U2 U2 क्योंकि यहाँ पे U2 ऑलरेडी है. सो देयरफॉर नाउ आई ओपन द ब्रैकेट M1 U1 माइनस M1 V1 इक्वल टू M2 U1 प्लस M2 V1 माइनस 2 M2 U2. अब हमारा एम क्या रहेगा? कौन से टर्म को एक जगह जमा करने का? एनीबडी कैन टेल मी? माज माज ओम हुसैन कौन सी टर्म को यहाँ पे लाऊं लेफ्ट हैंड साइड पे? बाकी सबको फेंक दू राइट हैंड साइड पे. एनीवन? आफिफ आफिफ वर्गेश विधि. अरे यहाँ पे V1 अननोन है. V1 अननोन है तो V1 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे. तो ये क्या करूं भाई माइनस M1 V1 को बाहर ले जाता हूँ. चलो ठीक है एक बार ऐसे कर लेते हैं. यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या आएगा? M1 V1 प्लस M2 V1. यहाँ पे क्या होगा? M1 U1 इसको यहाँ से यहाँ ले आते हैं तो माइनस M2 U1 प्लस 2 M2 U2 एंड देयरफॉर व्हाट विल बी यहाँ पे V1 कॉमन लेंगे तो V1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? इट विल बी M1 यहाँ पे कॉमन लेते हैं U1. यहाँ पे हम लोग U1 कॉमन लेते हैं तो U1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा? M1 माइनस M2 प्लस 2 M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2 और फिर हम लोग इंडिविजुअली डिवाइड कर देते हैं. तो V1 विल बी इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इनटू U1 प्लस 2 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2. इक्वेशन को लर्न बाय हार्ट नहीं करना है. प्लीज डोंट लर्न बाय हार्ट एंड स्पेंड योर एनर्जी इन लर्निंग दिस. हम लोग प्रॉब्लम करेंगे इससे इक्वेशन यूज नहीं करने का. सीधा नॉर्मल फॉर्मूला यूज करने का एंड यू विल गेट द आंसर. ये हमको क्या मिल गया? V1 मिल गया. लेट मी जस्ट चेक इफ देयर इज एनी एरर. According to me, V1 is M1 minus M2 upon M1 plus M2 U1 plus 2 M2 upon U1. Yes, perfect answer. This is the answer of V1. Now we want to get the answer of V2. देखो, to find V1 and V2. और यहाँ पे देखो M1, M2 पता था, U1 पता था, U2 पता था. तो ठीक है, V1 मिल जाएगा. Now, from 3. अब मुझे एक बात बताओ. हमने पहले V2 को भगाया, V1 को लाया. अब हम किसको भगाएंगे? और V2 को लाएंगे. किसको भगाया जाए? किसको भगाया जाए इक्वेशन 1 से? एनीवन एनीवन हु कैन से समथिंग? देखो V2 को लाने के V1 को लाने के लिए हमने V2 को भगाया. कैसे भगाया? V2 के बदले ये रखा. अब V1 को भगाएंगे तो फ्रॉम 3 V1 इक्वल टू V2 प्लस U2 माइनस U1. Just check it is right. V2 plus U2 minus U1. Substitute in 1. And therefore, क्या आएगा?
therefore आएगा m1 into v1 के बदले we'll write this minus, अच्छा change कर देंगे sign क्योंकि v1 के बदले तो minus v2 minus u2 plus u1 ये हो गया v1 के बदले रखा हमने m2 into v2 minus u2 as it is and therefore we get m1 u1 minus m1 v2 और ये देखो यहाँ पे m1 u1 दो बार था तो हम लोग इधर लिख देते 2m1 u1 minus m1 v2 minus m1 u2 equal to m2 v2 minus m2 u2 anybody can tell me what I keep now left hand side पे क्या रखूँ what should I my aim is to find what anybody अरे कोई बोलता ही नहीं अरे v1 मिल गया तो now we want to find v2 तो अभी ये माइनस m1 v2 को वहां ले जाते हैं ऑलराइट और बाकी सब पता देयरफॉर 2m1 u1 प्लस m2 u2 ओके माइनस m1 u2 v2 को वहां ले जाए तो माइनस m1 u2 ऑलराइट प्लस m2 u2 इक्वल टू v2 into m1 plus m2 and therefore v2 का आंसर होगा यहाँ पे हम लोग कॉमन क्या ले रहे पहले तो इसको ऐसे लिख देते 2m1 u1 यहाँ से हम लोग u2 कॉमन लेते हैं तो प्लस u2 कॉमन तो विल बी m2 minus m1 होल अपॉन m1 plus m2 ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है मैच कर रहा हूँ सिंपल मैच कर रहा हूँ मैं ये ध्यान रखना therefore v2 will be equal to 2m1 upon m1 plus m2 into u1 plus m2 minus m1 upon m2 plus m1 into u2 एक बार चेक कर लूं मैं twice m1 m1 plus m2 u1 plus m2 minus m1 yes perfect answer so there you are एक बार मैं ना रूलर मार लेता हूं तो पूरा रिपीट हो जाएगा आपके सामने देखो हमको क्या बोला था देयर आर टू मासेस m1 अब सब लोग लिखना बंद कर दो आई गिव टाइम फॉर यू टू कॉपी सो देखो देयर आर टू मासेस m1 व्हिच कोलाइड इलास्टिकली वी वांट टू फाइंड देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन तो हमको m1 m2 u1 u2 दिया हुआ है हमको ये बताया कि कोलिजन कौन सा है इलास्टिक वी हैव टू फाइंड v1 एंड v2 तो सबसे पहले हमको एक खाली इधर लिखना पड़ेगा u1 greater than u2 क्यों लिखना पड़ेगा एनीबॉडी कैन टेल मी क्यों लिखना पड़ेगा जीतू यस सर जीतू क्यों लिखना पड़ेगा u1 greater than u2 सर इफ वी डोंट राइट u1 इज ग्रेटर देन u2 देन दे विल नॉट कोलाइड दैट इज राइट वेरी गुड जीतू वेरी नाइस Therefore, by law of conservation of momentum, m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2. So, इसको यहाँ से आए, इसको यहाँ से आए, तो m1 common, तो क्या आएगा u1 minus v1. इधर से m2 common, तो v2 minus u2. Equation number one. Since collision is elastic, totally kinetic energy before collision, half m1 u1 square plus half m2 u2 square equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. Half cancel. m1, इसको यहाँ से तो m1 into u1 square minus v1 square equal to m2 into v2 square minus u2 square. m1 इसके दो फैक्टर निकाले u1 minus v1, u1 plus v1. m2 v2 minus u2, v2 plus u2. Equation number 2 divides 2 by 1. देखो, अब जब 2 by 1 करेंगे तो m1 u1 minus v1 will get cancel. Left hand side पे बचेगा u1 plus v1. इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो m2 into v2 minus u2 will get cancel. बचेगा सिर्फ v2 plus u2. इसे हम कहे जाएंगे. Equation number 3. हमने फिर आइडिया क्या लगाई v2 को भगाओ v1 को लाओ तो v2 को भगाने के लिए इक्वेशन 3 से v2 विल बी u1 plus v1 minus u2 दिस आई सब्स्टिट्यूटेड हियर और फिर मैच करना है इसमें ये सब स्टेप बताने की जरूरत नहीं है इसको मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स करते करते ये आंसर आएगा और फिर हम लोग क्या करेंगे इधर से v2 को भगाया तो हमको v1 मिला और v1 को भगाएंगे v2 मिलेगा तो इक्वेशन नंबर 3 से विल राइट v1 इक्वल टू v2 plus u2 minus u1 इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 में ये 1 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैथमेटिक्स करना है आपको मैथमेटिक्स सिंपल मैथमेटिक्स लेफ्ट LHS RHS नेगेटिव को उधर लाओ पॉजिटिव पॉजिटिव को इधर लाओ नेगेटिव लाइक दैट एंड देन वी गेट दिस आंसर डोंट लर्न बाय हार्ट दिस एज वेल नो नीड कॉपी दिस डाउन
कॉपी कर लिया है सभी ने कि बाकी है? ओम कॉपी करना बाकी है कि हो गया? ओम मां विधि सर बाकी है। ओके कॉपी करो फटाफट कॉपी कर लो। और दिख रहा है बराबर? विजिबल है विजिबिलिटी? यस सर प्रॉपर दिख। ओके हाँ कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया। एक स्क्रीनशॉट भी लेके रखो सो दैट इफ लेटर ऑन इफ यू फील दैट ये कैसे आया वो कैसे आया तो माय राइटिंग्स विल बी देयर विद यू सो दैट यू विल व्हाट यू हैव कॉपीड इज प्रॉपर और नॉट यू विल बी एबल टू रियलाइज। इसे बिठा दो। कॉपी कर लिया आप सभी ने तो मैं अगला क्वेश्चन लिखा हूं। विधि कॉपीड? यस सर। आफिफ बर्गेश जीतू मांग ओम यस सर त्रिशा यस सर। अभी अगला क्वेश्चन लिखो। टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 कोलाइड। टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 कोलाइड। फुल स्टॉप। If the collision is perfectly inelastic, find their velocities after collision, हाँ यस आपने लिखा क्वेश्चन लिखा। अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, मैं भूल गया यार, मेरे भूलने की बहुत आदत है, मुझे कौन बताएगा? मार्ज यस सर मुझे बता ना परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, मैं तो भूल गया पूरा। क्या होता है मेरे को याद ही नहीं आ रहा है। माज तुमको भी याद नहीं आ रहा है? अपन भूल गए, दोनों भूल गए अपन दोनों। माज भूल गए ना हम दोनों? भूल गए सर। व्हेन द बॉडी आफ्टर कोलिजन स्टिक टू वन अनदर एंड मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी ग्रेट आफ्टर कोलिजन। मेरे को भी याद आ गया। लवली देखो अभी यहाँ पे क्या बोला है, There are two masses M1 and M2, दोनों की टक्कर हो रही है, टक्कर perfectly elastic है, तो उनकी velocities क्या होगी after the collision?
So tell me, after collision, you suppose during collision, yeah. And after collision, yeah. Tell me, all of you agree with this or no? Dekho, during collision, aisa hoga, after collision, ek ki velocity V1, dusri ki velocity V2. Is this correct or not? No, sir. Bolo? It's not correct. Bolega, sir, iske baad mat jao. Idhar hi mamla khatam ho jata hai. This is over, sir. Don't do anything else. And इधर कह रहा है V1 equal to V2 equal to VC. VC and a common velocity. Tell me, will that do? बोलो बच्चे लोग. बच्चों, ये right है कि wrong है? After collision लिखना पड़ेगा यहाँ पे. Hussain, is this correct or no? Hussain Dagina wala. Yes, sir. Yes. Okay, so tell me, can I write by law of conservation of momentum? What can I write about this equation? Bhargesh, mujhe batao kya likhu? Is diagram pe dekhe kya likhu batao? Bhargesh. भार्गेश अरे तो नहीं बोलते. हाँ बोल, आवाज नहीं आ रही है मेरे को. उसने अनम्यूट तो किया है. अनम्यूट जरा वॉल्यूम बढ़ाओ भार्गेश. हाँ क्या लिखूं? बोल. अच्छा चलो, भार्गेश नहीं बोल रहे. जीतू क्या लिखूं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. टोटल मोमेंटम बिफोर इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर. तो क्या इक्वेशन क्या लिखूं? बोलो. अरे बोल. सर शुड आई आंसर? m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 m2 u v2. नहीं, मैं V1 V2 नहीं लिखू. चलो एक स्टेप ये लिख देते. अगला स्टेप में बताओ देरफॉर क्या लिखू? इक्वल टू M1 V1 के बदले क्या लिखू? Since V1 equal to V2 equal to VC. बोल रहे तो क्या लिखू? M1 into VC plus M2 into VC. लिख सकता हूँ कि गलत है ये. शायद रॉन्ग कर दिया ना मैंने. इट्स राइट. VC कॉमन ले लो. तो इधर रहेगा M1 प्लस M2. इधर होगा M1 U1 plus M2 U2. नाउ M1 M2 को नीचे ले जाओ. M1 plus M2 को. दैट विल बी M1 upon M1 plus M2 into U1 plus M2 upon M1 plus M2 into U2. ये VC है, V1 नहीं है. कॉमन वेलोसिटी. सो सिंपल, बस खत्म हो गया. एक्चुअली दोनों की वेलोसिटी सर की है, बाकी काइनेटिक एनर्जी वगैरह अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है. सीधा ही आंसर आ गया. दीज आर द वेलोसिटी V1 V2 दोनों का सेम वेलोसिटी है. समझ आया सभी को? All of you understood this? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, okay. So, इसे हम मिटाए देते हैं. अब हम बढ़ते हैं अगल. ऐसे लिखो, show that, हाँ नहीं, पहले लिखो, define coefficient of Sir, I have not copied the last sum. किसी ने कॉपी किया है बेटा? बाकी लोगों में से anyone who has copied? Taken screenshot. Who has taken? I have taken. So will you put it in the group? अपना WhatsApp group में तो Mars will be able to. Yes, sir.
मान चलेगा बेटा कि वापस लिख दूं एक बार? यस सर चलेगा। श्योर ना? यस सर। ओके मैम। ओके मैं किस किस ने और कॉपी नहीं किया? मैं फिर फास्ट चला गया ऐसा लगता है। समीर हुसैन, हुसैन ने भी कॉपी नहीं किया। हुसैन दागीना, हुसैन हुसैन बोल ही नहीं रहा। स्क्रीनशॉट। ओके चलो कोएफिशिएंट ऑफ रेपिटेशन। Define coefficient of repetition. इधर देखो। Basically, this is U1, this is U2, this is V1, and this is V2. Coefficient of repetition denoted by E is negative ratio of Anybody can tell me definition? चलो अपने मन से। ये solid मैंने बता दिया है। Who can tell me the definition? Coefficient of resolution is defined as, चलो मैं start देता हूँ। Negative ratio of, इसके आगे कौन बोलेगा? Negative ratio of, ये मैंने बताया है, V12 क्या होता है, U12 क्या होता है। Anyone, please, 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 बिंदास बोलो। मैं compulsory बोलूँगा, बोल इसका answer क्या है। Vidhi, Vidhi, what is V12 means? What is V12 means? Kaliya bol. Vidhi, Vidhi, unmute yourself. Compulsorily. हाँ बोल V12 यानी क्या? I don't remember. अरे यार V12 is V1 minus V2. अभी याद कर चल क्या है? V12 equals to V1 minus V2. Ah, I did not read the equation. Acha, Afif, you remember what was V12? No, sir. No. Anyone remembers? Anyone remembers? We have done this year. Problem bhi case ke upar bahut sare. Bhargesh? Bhargesh? Yes, sir. क्या था ये? नो सर। ओके इट स्टार्ट्स विद आर। चलो अभी बोलो अभी। अरे यार क्या तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ उसके बाद में तुम लोग की यह हालत है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू, नहीं किया था ऐसा वर्ड रिलेटिव वेलोसिटी वी हैव डन और नॉट? ओ यस सर। ओ यस सर, ऐसे तो चलेगा ही नहीं ना, ऐसे से चलेगा नहीं। इतना कुछ पोर्शन भी नहीं हुआ है, छोटा सा पोर्शन हुआ है। एवरीबडी ऑफ यू फॉरगॉट विधि, आई डिडंट लाइक विधि, मुझे अच्छा नहीं लगा ये। ये अभी याद आया कि मैं वापस सिखाऊं रिलेटिव वेलोसिटी एक बार फिर से? नो सर, आई रिमेम्बर। देन आई डोंट लाइक दिस। इतना मैं बोल रहा हूँ, इट स्टार्ट्स विद आर, तो भी बोलते नहीं ऐसे रिलेटिव वेलोसिटी है ये तो। चलो ओके देखो, इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव रेशियो ऑफ relative velocity after collision to the relative velocity before collision. Simple. Coefficient of restitution is defined as the negative ratio of, it defined as the negative ratio of relative velocity after collision to the relative velocity before collision. So minus V1 minus V2 upon U1 minus V2 minus one other multiply karo. So this formula you have to learn by heart. Is this clear? मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, तुम लोग सब भूल भाल के तैयारी कर रहे हो। मिस्टर गजनी बन गए सब लोग। मिस्टर गजनी, गजनी पता है ना पिक्चर में, वो भूल जाता था। ओ यू रिमेम्बर? यस सर। हाँ तो तुम लोग सब गजनी बनने की तैयारी कर रहे हो। आई डोंट लाइक दिस एट ऑल। एटलीस्ट एक स्टूडेंट को बोलना चाहिए था सर आए तो रिलेटिव वेलोसिटी आपने पढ़ाया था। चलो लिखो लिखो डेफिनेशन। ये डायग्राम बना था ना पहले, इतना डायग्राम ये यहाँ तक लिखा और उसके बाद में मैं डेफिनेशन लिखाता हूँ। इसके बाद डेफिनेशन लिखा रहा हूं।
जीतू yes, जीतू sir. गजनी बन गए तुम लोग. जीतू बोलता है गजनी तो कुछ नहीं था हमारे सामने, हम लोग तो गजनी के भी आगे हैं. हाँ जीतू एम आई राइट. चलो यहाँ से कॉपी करने के बाद लिखो डेफिनेशन लिखो. इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन टू द रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन. रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन टू द रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन. अब एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो. नोट वैल्यूज ऑफ छोटा ई. नंबर वन ई इक्वल टू वन फॉर जीरो लेस देन ई लेस देन वन फॉर ई इक्वल टू जीरो फॉर. देखो ये जो ई की वैल्यू है ये फिक्स है जितनी मालूम है वन फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. और लेट मी टेल यू चाहे नीट हो चाहे जेडब्ल्यू हो चाहे सीईटी हो ई के ऊपर एक प्रॉब्लम आता ही है. ई के ऊपर एक एमसीक्यू रहता ही है. सो दैट यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली फॉर इन इलास्टिक कोलिजन. और यहां क्या होगा एनीबडी अपने मन से बोलो. यहाँ पे इक्वल जीरो फॉर विच कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन. हाँ इलास्टिक फॉर या नहीं यार इलास्टिक तो हो गया ना. फॉर परफेक्टली खाली इलास्टिक था. फॉर इलास्टिक कोलिजन और ये परफेक्टली ये इलास्टिक है. इलास्टिक को कभी कभी परफेक्टली इलास्टिक भी बोलते हैं. वो परफेक्टली वर्ड नहीं लिखोगे तो चलेगा. इलास्टिक कोलिजन लिखो या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन लिखो बोथ आर वन एंड द सेम. बट परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन एक ही है. इसको दूसरा कोई वर्ड यूज नहीं कर सकते. कभी किया सभी ने. रिमेम्बर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के ऊपर प्रॉब्लम आता है हमेशा सीईटी में. सीईटी जेडब्ल्यू नीट कुछ भी बोलो. ओके बिटा दो इसको. अब मैं ई का फॉर्मूला कभी पूछूंगा ना चल मेरे को ई का फॉर्मूला बोल तो कोई गज नहीं बनेगा. नहीं बनेगा मेरे को बोलेगा ई इक्वल वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू. ऐसा आंसर देना है. ई का फॉर्मूला बोलूंगा तो क्या ई इक्वल टू वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू. ओम ई का फॉर्मूला बोल. E equals to V2 minus V1 upon U2 minus U1. Wrong. क्या यार इतना अभी सुनते हो. V2 minus V1 upon U1 minus U2 नहीं दिख रहा है क्या. क्या कॉपी क्या किया है. माज E का फॉर्मूला बोल. सर V2 minus V1 upon U1 minus U2. हाँ ओम रिपीट कर. ओम रिपीट कर. E equals to V2 minus V1 upon U1 minus U2. हाँ और क्या लिखा था. U2 minus U1 लिखा था अंदर बुक में. क्या लिखा था सच बोल ऑनेस्टली. यस सर. अरे U2 minus U1 माइनस साइन है. माइनस हटाया तो फिर अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना. अंदर माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में. ओके इसके बाद एक क्वेश्चन लिखो. शो दैट ई इक्वल टू वन फॉर इलास्टिक कोलिजन. शो दैट ई इक्वल टू वन फॉर इलास्टिक कोलिजन. लेट मी टेल यू आई विल नॉट डू द डेरिवेशन. एंटायर डेरिवेशन आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है. देखो आपको कुछ नहीं करना है. अभी जगह छोड़ दी खाली.
डायग्राम कुछ नया है कि नया नहीं है? ये स्टैंडर्ड डायग्राम आपके पास है ऑलरेडी कि उसको वापस लिखूं m1 m2 u1 u2 u1 greater than u2 सब आर यू नो ऑलरेडी अफीफ अफीफ विधि मास प्रिशा जो भी बोलना है बोलो यार ये मालूम है कि नहीं है आई एम नॉट राइटिंग री राइटिंग एवरीथिंग यू विल ऑल्सो नॉट री राइट खाली मुझे इक्वेशन नंबर 3 क्या था वो कौन बताएगा इक्वेशन नंबर 3 जो हमने प्रूव किया था ना v1 v2 का जरा इक्वेशन 3 देखो अपने नोट्स में जाके व्हाट वाज रिटन बाय मी इन इक्वेशन नंबर 3 लास्ट टाइम मैंने वही छोड़ा था इक्वेशन 3 पे वो इक्वेशन 3 क्या था भार्गेश इक्वेशन 3 क्या था हुसैन हां u1 plus v2 plus u2 Are you sure? यही था बाकी सब लोग चेक करो यही था कि अलग था सेम था अच्छा मुझे अब ई का फॉर्मूला बना के रखो ई का फॉर्मूला कौन बताएगा मेरे को विधि ई का फॉर्मूला बोल सही इक्वल्स टू वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू ओके अब है ना अब मैं क्या करता हूँ यहाँ तक आपको सेम टू सेम लिखना आई विल नॉट वेस्ट टाइम इन मेकिंग यू राइट एवरीथिंग अप टू दिस इक्वेशन नंबर 3 नाउ यू विल लीव द स्पेस एंड यू विल राइट एज होमवर्क मुझे इतना बताओ कैन आई टेक दिस v1 वहां से यहाँ तो क्या आएगा v2 माइनस v1 ये u2 को यहाँ से यहाँ तो क्या आएगा एम आई राइट और रॉन्ग इक्वेशन लिख के बोले यार इसको नीचे ले आया तो अरे इक्वेशन ये मैथमेटिक्स डोंट फॉरगेट अबाउट दिस इसको यहां से यहां ले आया तो क्या होगा इक्वल टू तो फिर कोई बोलता ही नहीं है बट कितना इजी है यू कैन बिलीव दिस सच ए सिंपल थिंग सच ए सिंपल इक्वेशन सच ए सिंपल लीव द स्पेस आई एंड कम अप टू इक्वेशन नंबर 3 बच्चों समझ रहे हो कि नहीं कि वापस बताऊं ये सब यहां तक इक्वेशन 3 मैंने निकाला था आज वापस रिपीट किया उसको अब वापस नहीं लिखाना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम बच्चे लोग समझे या नहीं yes, sir. कॉपी कर लिया तो आगे बढ़े हम लोग कि कॉपी कर रहे हो मास कॉपी कर रहे हो कि बढ़ सकते हैं आगे सर हो गया ओम सो कॉपिंग कॉपी ना तो अभी अगला क्वेश्चन क्या होगा चलो मैं खाली इशारा करता हूँ क्वेश्चन तुम लोग बताओ क्वेश्चन ई इज इक्वल्स टू 0 फॉर परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन दैट इज राइट वेरी गुड राइट डाउन शो दैट ई इक्वल्स टू 0 फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन
और उसके बाद में डायग्राम ड्रॉ कर लो, इतना लिखना है दलील, ये तो मालूम है बार बार क्या करूं। चलो इधर लिख लीजिएगा बिफोर कोलिजन, इधर क्या लिखूं, इधर यहाँ पे क्या लिखूं सर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोलिजन, ड्यूरिंग एंड आफ्टर बोथ आर सेम, सो वेरी गुड वेरी गुड अफीज, बहुत अच्छा आंसर है। नाउ मुझे हुसैन ई का फॉर्मूला बोल, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला इक्वल टू सर, इक्वल्स टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2, दैट इज वेरी, बट एनीबॉडी कैन टेल मी डेरिवेशन कैसे खत्म करने का, एनीबॉडी कैन टेल मी डेरिवेशन कैसे खत्म करूं, जस्ट सिंपली राइट व्हाट, बोलो एक मिनट में खत्म खत्म, डेरिवेशन हो गया है खल्लास, therefore equal to vc, therefore equal to zero, equal to zero, hence proved. एक प्रॉब्लम करेंगे हम लोग इसके ऊपर, खाली इस पे देखो आपको पता चलेगा कि खाली फॉर्मूला फॉर ई याद रखना है, वो जो वी वन वी टू के फॉर्मूले निकाले थे वो याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, राइट डाउन, अ बॉल ऑफ मास, मिटाओ इसको एक मिनट, मिनट में पूछ लेता हूँ, शुड आई रब आउट दिस और नो, यस सर, एवरीवन एवरीवन, ओके ऐसे लिखो, अ बॉल ऑफ मास 0.2 केजी, अब मैं आपको एक ये दे देता हूं, संडे को हर संडे को टेस्ट होगा, हम लोग बताएंगे ही नहीं आपको थ्रू आउट एवरी सब्जेक्ट टू स्टडी प्रॉपरली, और संडे को टेस्ट होगा वो तुमको देना है, खाली बायो होगा तो मैं बायो वालों को बोलूंगा देयर विल बी बायो टेस्ट, बायो के जनरली आई विल टॉक ऑफ पीसीएम टेस्ट ओनली, तो किसी भी एक सब्जेक्ट का होगा एंड दैट विल नॉट बी टोल्ड टू यू, द आइडिया बिहाइंड दिस इज सो दैट यू प्रिपेयर एवरीथिंग, घर पे बैठे हो क्या काम है, पढ़ाई करो, ऑल राइट, अ बॉल ऑफ मास 0.2 केजी moving with a velocity of 2 meter per second collide with another ball of the same mass initially at rest if the coefficient of restitution between the two balls is 0.6 find velocities of each ball after the collision, find the velocities of each ball after the collision. Your first